हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सर्दियों में होने वाले बच्चों को सर्दी, जुखाम, खांसी, इन तीनों चीज़ों से किस तरीके से हम घरेलू उपचार करके छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हम ये सोचते हैं अभी बच्चे छोटे हैं तो एंटीबायोटिक दवा ना देनी पड़े, इससे अच्छा है घरेलू उपचार करें। तो घरेलू उपचार जो मैं बताऊंगी, सिर्फ दो चीज़ों से आप इसको रेडी कर सकते हो और फटाफट से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरीके से तैयार होता है। बच्चों से रिलेटेड पेरेंटिंग टिप्स और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। ये देखिए, इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है और ये हमने बर्तन लिया है। या तो फिर आप तड़का पैन ले सकते हो या तो फिर आप ऐसा कोई भी कटोरी जिसको आप बार बार तड़के के लिए यूज़ कर सकते हो, आपके घर में होगी ही होगी, वो ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और ये स्पून, आधी स्पून, आधी स्पून से थोड़ी सी हल्की कम मैंने मेथी ली है, मेथी के दाने लिए हैं। और ये मेथी के दाने में पानी डालकर, पानी हमें आधा आधी कटोरी लेनी है, कोई भी बर्तन में रखो वो आधी मतलब मेज़र करके लेना है। इसमें हमें आधा कप पानी लगा है लगभग, और इसको हमें गैस की फ्लेम पर रख देना है। अगर आप चाहो तो स्टैंड इस तरीके से रख के आप रख सकते हो। पानी हमने नॉर्मल लिया था, अब हमें फ्लेम पर रखना है। और ये देखिए, इस तरीके से हमें पानी को अच्छी तरीके से और मेथी को, दोनों को अच्छी तरीके से पकाना है। फ्लेम हमें लो रखनी है, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, फ्लेम हमने लो रखी है, लो फ्लेम पे ही पकाना है इसको। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, 10 मिनट में रेडी हो जाने वाली है आपकी ये मेडिसिन। और इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से मेथी के दाने और पानी ही यूज़ करना है। और ये दवाई आपको बच्चों को कई सारी सर्दी, जुखाम, खांसी और ठंड से बचने में भी बहुत हेल्प करती है। धीरे धीरे पानी पकता जा रहा है और ये बच्चों की दवाई रेडी होती जा रही है। इस तरीके का पानी और डार्क येल्लो होता जा रहा है, पहले लाइट था अब धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। और लो फ्लेम पे हमने पकाया है तो आप देख सकते हो मेथी के दाने बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गए हैं। और यही इसका सिंबल है कि मेथी के दाने अच्छी तरीके से फूल जाए, पानी इसका डार्क येलो हो जाए, इसका मतलब है हमारी मेडिसिन, घरेलू उपचार, होम रेमेडी तैयार है। ओके, अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। धीरे धीरे पानी पक के काफ़ी येल्लोइश हो गया है और इस तरीके का ही हमें चाहिए था। अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको कुछ देर के लिए ठंडा कर देना है। ठंडा करके आप बच्चों को पिलाइए और छान के आप बच्चों को पिला सकते हो। और इसको ठंडा होने देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए, ठंडा हो गया है, इसको हमने छान लिया है छलनी से और इस तरीके का कुछ दिखता है ये। और ऐसी हमारी 2 टेबलस्पून बनके रेडी हो गई है। तो इस तरीके के आप बना सकते हो और बच्चों को पिला सकते हो। अगर आपका बच्चा 3 साल या उससे बड़ा है तो आप 5 ml बच्चे को पिलाएगी, और अगर आपका बच्चा 1.5 साल तक का है या फिर उससे 1.5 साल से लेके 2 साल तक का है तो आप उसको 2.5 ml ये दवाई पिला सकते हो। अगर आपका बच्चा मेथी ये नहीं पी रहा है, कोई बच्चे होते हैं जिनको कड़वी लगती है, तब आप क्या कीजिएगा, आप हनी मिक्स करके बच्चों को दवाई पिलाइए। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, अगर बच्चे दवाई नहीं पीते तो आप उसमें हनी मिला दीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है और स्वीट लगता है और बच्चे पी लेते हैं।
और इसको सिर्फ दिन में एक ही बार पिलाना है। और सच मानिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपके बच्चे विक्स लगाने से भी डरते हैं, सर्दी जुकाम में हम अक्सर मसाज करते हैं बच्चों के विक्स से, विक्स से बच्चे काफ़ी इरिटेट होते हैं, कई बच्चे मैंने देखे हैं, तब आप क्या कीजिए, इसी दवाई को आप हल्की सी गुनगुनी करके लगा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है, इसकी एक ही खुराक बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये दवाई कितनी इफ़ेक्टिव हुई। आज के लिए बस इतना ही, आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू।